Now watch all the episodes only on Lehre app. बोनी कपूर की दूसरी पत्नी और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना शौरी कपूर की। मोना कपूर की आज डेथ एनिवर्सरी है। साल 2012 में कैंसर की बीमारी के वजह से बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। श्रीदेवी और बोनी कपूर के शादी से दुखी मोना ने एक बार साल 2007 में दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि बोनी के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। बोनी मुझसे 10 साल बड़े थे। जब मैंने उनसे शादी की तब मेरी उम्र महज 19 साल थी। हमारी शादी 13 साल पुरानी थी। यही वजह है कि जब मुझे पता चला कि मेरे पति किसी और से प्यार करते हैं तो धक्का लगा। मोना कपूर ने कहा था, बोनी को अब मेरी नहीं किसी और की जरूरत थी। दूसरा मौका देने के लिए रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उनका रिश्ता कायम हो चुका था। मेरा इससे बाहर निकलना ही बेहतर था। उन्होंने इस रिश्ते के दर्द को चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। मोना ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि दोनों की शादी का बच्चों पर बुरा असर पड़ा। मेरा बेटा अर्जुन और बेटी अंशुला तब स्कूल में थे। स्कूल में मेरे बच्चों को बुरे बुरे तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे स्ट्रांग बने और पूरी कंडीशन को समझा। एक इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा था कि श्रीदेवी सिर्फ उनके पिता की पत्नी है, उनकी माँ नहीं। लेकिन श्रीदेवी के मौत के बाद ये सारी कड़वाहट दूर हो गई और अर्जुन ने खुले दिल से अपनी बहनों को अपना लिया।